मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। कोशिश तो किया, मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट मार ही दिया था। क्यों नहीं बताया तुमने सबके सामने सच? हमें आपको उस अपराध का दंड नहीं दिलवाना है जो आपने हमारे साथ किया, बल्कि आपको उस अपराध का दंड दिलवाना है जो आप इतने सालों से सबसे छुपाती आ रही हैं। वो अपराध जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है। तुलसी जी को जान से मारने का अपराध, और अब इस राज का पर्दाफाश वही करेगा जो इसकी वजह से बहुत ज्यादा तट पे है। राधा किसके बारे में बात कर रही है? कौन मेरा पर्दाफाश करेगा? दामिनी, तुमने ये जो कुछ भी किया है ना, उसका अब हमें सिर्फ शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है। और जिस दिन ये सच सामने आ गया ना, बाके बिहारी जी की कसम हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतने सालों से हमने तुम पर आंख मूंद कर जो भरोसा किया है ना, वो ये सब करके ना, वो सारा भरोसा तुमने तोड़ दिया है। दामिनी, कल तुम ऑफिस में आओ, फिर हम तुम्हें दिखाते हैं कि कादंबरी देवी क्या कर सकती है। अब इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि ऑफिस का कोई भी फैसला तुम अकेले नहीं ले पाओगी। फिर तुम्हारे साथ क्या करना है ना, वो हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल के लिए ये पैसे तो तुम रख सकती हो। पर ये पेपर्स नहीं। ये पेपर्स हम लेकर जा रहे हैं सब जानते हैं कि ये सब कुछ इस दामिनी ने किया है। फिर पता नहीं राधा इसे क्यों बचाना चाहती है। क्या चल रहा है राधा के दिमाग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, हमारी वजह से आपको धक्का उठाना पड़ा। ओए, सब मेरी वजह से हुआ है, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, मेरी वजह से तुम्हें इतने देर अंदर रहना पड़ा। तुमने मुझे फोन किया था ना बुलाने के लिए, फिर भी मैंने तुम्हारी बात गए थे। मर गया था। मैंने ना तुम्हारी जैसी लापरवाह लड़की अपनी लाइफ में नहीं देखी यार। मतलब ये कि मुसीबत जो है वो लोगों के पास आते हैं ना, लेकिन तुम कूद 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 कर मुसीबत के पास जाती हो। जल्दी क्या है? अगर मुसीबत में नहीं फंसेंगे तो आप हमें बचाने कैसे आएंगे?
मुसीबत में फंसने के बाद ही तो पता चलता है ना कि प्रेम कितना गहरा है। बहुत बातें हो गई, अब चलो अब दवा का टाइम हो गया है। मैंने हमारे डॉक्टर से वादा किया था कि तुम्हारा एक दोस्त भी है ना जो वो मिस नहीं होगा। फिर से दवाई? मतलब थोड़ी देर पहले तो हमने कितनी सारी दवाई खाई थी ना, फिर से क्यों खाए? थोड़ी देर पहले हमने इतनी सारी दवाई खाई थी ना, फिर से क्यों खाए? आदत बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अरे दवाई खाना जरूरी है तो मतलब खाना जरूरी है, पर मन ठीक होना है कि नहीं, जल्दी होना है कि नहीं, दवाई खा जाओ ना तुम ना। ये तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तो बहुत ही लेट हो गया आज। हाँ। तुम सो जाओ ना, मैं भी आता हूँ। अम्मा जी। क्या हुआ? अम्मा जी, आपने हमारी चोट पर दवाई लगा दी, अब हमें आपकी चोट पर दवाई लगाने दीजिए। जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, ओ सब कुछ मेरा चाहे ना, बदले
अब हमें दामिनी जीजी से बात करनी ही होगी। देख बिटिया, तुमने कद्दू को तो समझा लिया, लेकिन अगर वो ढाई फुट टुडे ने अपना मुंह खोल दिया तो? नहीं मम्मा, राधा को अगर कुछ बताना होता ना तो अब तक वो बता चुकी होती। पर उसने ऐसा नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बताया उसने। और जितना मुझे समझ आ रहा है ना, मुझे तो लगता है कि उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। वो चाहती ना तो आज ही हमारा गेम ओवर कर सकती थी, पर नहीं, वो डेफिनेटली हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली है मम्मा। और आपने देखा था ना उसे किस तरह घूर घूर के हमारी तरफ देख रही थी वो। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो कुछ बड़ा करने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने दामिनी चाची। राधा, अब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बारे में आप दोनों कभी सोच भी नहीं सकते। अच्छी बात है कि तुम खुद यहां आ गए। अब बताओ कि तुमने सबके सामने झूठ क्यों बोला? वैसे याद तो तुम्हें सब कुछ होगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था, कैसे तुम्हारी कुल्फी जमा दी थी। हाँ दामिनी जीजी, याद तो हमें सब कुछ है। कैसे आपने हमें अपने झांसे में फंसाया? कैसे आप हमें उस ठंडे कमरे तक लेकर गए और फिर कैसे आपने हमें वहां बंद कर दिया? नहीं, दामिनी जी, सब कुछ हमें एकदम अच्छे से याद है। वो एक एक पल जो हमने हमारे परिवार के बगैर गुजारे, हमने हमारे मोहन जी और गुनगुन के बगैर गुजारे, सब कुछ हमें अच्छे से याद है। और हम कभी भूल भी नहीं सकते कि आपने हमारे साथ क्या किया। तो अगर तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद है तो तुमने सबके सामने सच क्यों नहीं बोला? अब जितना मैं तुम्हें जानती हूं, मुझे ये तो पता है कि तुम्हें मेरा डर तो नहीं है। और अब तो पूरा परिवार तुम्हारे साथ है राधा, खास करके मोहन। और बाकी बिहारी जी भी तो है हमारे साथ। उन्हें तो आप भूल ही गई, वरना आपने तो हमें मारने की पूरी तैयारी कर रखी थी दामिनी जीजी। तो तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं राधा? आखिर चल क्या रहा है? आवाज नीचे। आवाज नीचे दामिनी जीजी। अगर हम वहां नीचे सबको बता देते ना कि आपने हमारे साथ क्या किया है, तो अभी आप यहाँ हमारे सामने खड़े होकर ऐसे हमसे बहस नहीं कर रही होती, बल्कि हवालात में खड़े होकर डंडे और मार खा रही होती। तो जाने देती ना जी,
क्यों बचाया मुझे? चाहते क्या हो तुम राधा? बताओ राधा, तुम चाहती क्या हो? क्यों तुमने सबके सामने झूठ बोला? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में राधा? अरे मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, कोशिश तो किया, मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट मार ही दिया था। तो क्यों थी तुम चुप? क्यों नहीं बताया तुमने सबके सामने सच? अगर हम सबको बता देते ना कि आपने हमारे साथ क्या किया है, तो आप पर हमें मारने का इल्जाम लगता। और उसकी सजा कितनी होती? 2 साल 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। पर वो तो न्याय नहीं होता ना दामिनी चाची। और वैसे भी हमें आपको उस अपराध का दंड नहीं दिलवाना है जो आपने हमारे साथ किया है। आपको उस अपराध का दंड दिलवाना है जो आप इतने सालों से सबसे छुपाती आ रही है। वो अपराध जिसके वजह से एक दूध पीती बच्ची ने अपनी मां को, एक पति ने अपनी पत्नी को और एक परिवार ने अपनी बहू को खोया। वो अपराध जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है। तुलसी जी को जान से मारने का अपराध, मारा है मैंने तुलसी को। बकवास कर रही है बिटिया। बहुत बेरहमी, बहुत बेरहमी। तड़पा के मार। प्रॉब्लम क्या है कि इस जुर्म की सजा ना तो मुझे दिलवा ही नहीं सकती। क्योंकि इस जुर्म से जुड़े सारे सबूत मैं मिटा चुकी हूं, सब कुछ खत्म कर चुकी हूं। अब तो कोई मुझे छू भी नहीं सकता। जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते कि आपने तो सारे सबूत ही मिटा दिए होंगे और इसलिए हम किसी को भी कुछ भी बोलेंगे तो कोई मेरी बातों का यकीन ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली। पर कोई बात नहीं, और अब इस राज का पर्दाफाश वही करेगा। जो इसकी वजह से बहुत ज्यादा तड़पे हैं।
जिसे इस सब की वजह से बहुत ज्यादा दुख झेलने पड़े। किसकी बात कर रही हो तुम राधा? और एक और बात दामिनी चिची, आज तक हमने आपके बहुत सारे कारनामे देखे हैं, पर अब ना अपनी हरकतों पर जरा लगाम लगाइए, क्योंकि अब अगर हमारे परिवार को, हमारे मोहन जी को, हमारी गुनगुन को इतनी सी भी तकलीफ हुई ना, तो अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब तो पूरा परिवार हमारे साथ है, समझी ना? अब आप अपनी उल्टी गिनती ना शुरू कर दीजिए दामिनी चाची। कल सुबह से आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा। बात कर रही है, कौन मेरा पर्दाफाश करेगा? अरे दामिनी चिची, अपने दिमाग के घोड़े को जरा लगाम लगाइए। कब, कौन, कैसे आपका सच बाहर लाएगा वो आपको और आपकी माँ को जल्द ही पता चल जाएगा। ए लड़की, हमें धमकी दे रही है? एक दो बार बच क्या गई, अपने आप को अमर समझने लगी है? अगर ज्यादा जबान चलाई ना तो यहीं पे निपटा देंगे, समझी? राधा को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। चल क्या रहा है? मासी, आप राधा पर क्यों चिल्ला रही थी? मोहन, मासी से बात करो दामिनी। आप चिल्ला क्यों रही थी? मोहन जी, यहाँ कुछ चल नहीं रहा था और कावेरी काकी जी हम पर चीख नहीं रही थी, वो तो बस हमें डांट रही थी कि हम इतनी तबीयत खराब लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। तो बस अपने कमरे में जाकर आराम करने कह रही थी, है ना बड़ी काकी जी? हाँ बिटिया, सुना ना मोहन, हम इसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम थोड़ा समझा रहे थे इसे, अपनी राधा रानी को यहाँ से लेकर जाओ। हाँ चलिए ना मोहन जी,
हमें भी ना बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है। चलते हैं। किसने कहा तुम्हें आने के लिए? अभी अभी घर आई हूँ, आराम की जरूरत है कि नहीं? माफ कीजिए। चलो राधा, तुम्हें सच सच बता देना चाहिए था मोहन को। यही सही मौका था इन दोनों को सजा दिलवाने का। पता नहीं राधा के मन में क्या चल रहा है, कहीं फिर से अपने आप को कोई नए खतरे में ना डाल दे। इस राधा से पहले तो मैं उस गुनगुन को जान से मार दूंगी मम्मा, उसे आग में जला दूंगी, पानी में डुबा दूंगी, जमीन में गाड़ दूंगी उसे। क्या बकवास किए जा रहे हैं तुलसी? हमारी बिटिया थोड़ी बहक गई है, सदमे में है, इसी भी ऐसे अनाम शनाम बोल रही है वो। उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो मम्मा। उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पागल हो गई है। क्योंकि अगर वो भूतनी यहाँ होती ना तो अब तक मेरी चटनी बना चुकी होती। मैं तो बस ये कंफर्म कर रही थी कि इस कमरे में हम दोनों ही हैं, क्योंकि अब मुझे आपके साथ मेरा प्लान डिस्कस करना है। हाँ वो तो ठीक है, पर वो 2.5 फुट चुड़ैल किसके बारे में बात कर रही थी? उसको जितनी बातें करनी है ना करने दो मम्मा, क्योंकि अब तो मैं डायरेक्टली वार करूंगी और उस जगह चोट पहुंचाओगी ना कि उससे राधा को बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि अब मेरे निशानी पे वो नहीं मोहन होगा। उंगली से ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ती है ना। मैं तो बस घी वाले बर्तन को थोड़ा गर्म कर रही हूँ मम्मा। हाँ मम्मा, अब मैं अपने मोहन को चोट पहुंचाऊंगी, क्योंकि इट्स हाई टाइम कि उसे मेरी और मेरे प्यार की कीमत समझ आए। अब जब आपका प्यार खुद प्यार से ही नहीं समझता, जोर आजमाना पड़ेगा ही। सॉरी मोहन, पर तुम्हें पाने के लिए ना मुझे तुम्हें ही चोट और तकलीफ देनी होगी, तो इसमें गलती भी तुम्हारी है और कारण भी तुम ही हो मोहन। मैं तो बस तुमसे प्यार करना चाहती, लेकिन तुमने ही मुझे जबरदस्ती करने के लिए मजबूर किया है। अब तक तुमने दामिनी का प्यार देखा था, अब वार देखो।